ओके, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया हो या फिर मार्कशीट में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आप लोग को यहाँ पे आना है? और हाँ, एक बात और, आप लोग को दलालों से बच के रहना है, क्योंकि ऐसे ही आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग टाइटल थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया हो कि आप लोग को इस ब्लॉग में मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं अभी आ चुका हूँ दोस्तों बिहार बोर्ड के ऑफिस मुजफ्फरपुर में। और अगर आप लोग को मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो गया हो या फिर करेक्शन करवाना हो डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा वो बताएंगे। और एक और मैंने ब्लॉग बनाया था जो कि इससे पहले वाला ब्लॉग, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस ब्लॉग में मैं एड्रेस बताया हूँ, तो आप लोग को एड्रेस भी बता देता हूँ कि आप लोग को आना है मोती झील मुजफ्फरपुर में। और अगर आप लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन से आ रहे हैं तो आप लोग को मोती झील में आना है, और अहमन भूमिहार कॉलेज जिसको बीबी कॉलेज बोलते हैं वहाँ पर आप लोग आइएगा उस गली में। तो जस्ट DRB मॉल है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, DRB मॉल है उसी के जस्ट पीछे है ये, आप लोग को मिल जाएगी, ये लोकेटेड है। तो अभी आप लोग ध्यान से इस ब्लॉग को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आप लोग अगर आ रहे हैं तो जैसे ही वो सामने यहाँ पे गेट देख रहे हैं वहाँ से आप लोग एंट्री लीजिएगा और ठीक सीधे आना है, और जस्ट ऐसे दाहिने मुड़ने के बाद आप लोग फिर दाहिने में मिल जाएगी, वहाँ पे ही सुधार होता है। और वाला जो ब्लॉग मैंने बनाया था तो उसमें आप लोग को सिर्फ एड्रेस बता दिए थे और बता दिए थे कि यहाँ आने के बाद आप लोग को आसानी से करवा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए ही ब्लॉग बनाने आया हूँ, ताकि आप लोग को बता दे कि अगर आप लोग के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया हो या फिर मार्कशीट में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आप लोग को यहाँ पर आना है। और हाँ, एक बात और, आप लोग को दलालों से बच के रहना है, क्योंकि कुछ कुछ दलाल आगे पीछे घूमते रहते हैं और आप लोगों से पैसा ठग लेंगे, तो इस दलालों के फेड़ में यहाँ पे न फंसे। तो अभी आप लोगों दोस्तों सभी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी को भी फ़ायदा हो सके और एक हेल्प किसी के लिए हो सके थोड़ा सा, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे एक कार्य विवरण और काउंटर संख्या दिया हुआ है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है वहाँ पे वो कार्य होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि काउंटर 1 और 2 देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि पूछताछ एवं दीर्घ सुधार हेतु काउंटर 1 है, तो ऐसे ही करके काउंटर बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग कितने बजे आइएगा तो 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 5 बजे शाम तक होता है, और भोजनावकाश देख सकते हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। और अपराह्न 3 बजे के बाद आवेदन पर स्वीकारा नहीं जाएगा। और दूसरा अति आवश्यक सूचना, यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आप लोग अपना ID प्रूफ को हमेशा साथ में लाना है, आधार कार्ड को देख सकते हैं। और यहाँ पे एक आवश्यक सूचना लिखा गया है जिसमें आप लोग को बताया गया है कि जब आप लोग का प्रमाण पत्र में सुधार हो जाएगा तो आप लोग को पुराने प्रमाण पत्र को जमा करने के बाद ही नया प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझना है और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानिए कि सिद्धांत सुधार के प्रकार, यानी कि 2 प्रकार के सुधार होते हैं। आप लोग को कोई भी सुधार करवाना है तो यही 2 प्रकार के सिद्धांत में आता है। एक होता है आंशिक सुधार जिसको लघु सुधार बोलते हैं, दूसरा होता है दीर्घ सुधार। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आंशिक सुधार में कौन कौन से सुधार आते हैं और साथ ही साथ दीर्घ सुधार में कौन कौन से सुधार आते हैं। तो आप लोग दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग को ज़रूरी होंगे सुधार के लिए, आंशिक सुधार के लिए, वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी चर्चा और साथ ही साथ प्रोसेस भी बताया गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ ले, और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दीर्घ सुधार के बारे में बताया गया है और इसमें कौन कौन से करेक्शन आते हैं तथा क्या प्रोसेस है, वो सभी का आप लोग को यहाँ पर दे रहे हैं, उसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कौन कौन से सुधार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना है
और क्या प्रोसेस फॉलो करना है और कितने दिनों में आप लोगों को प्रमाण पत्र मिल जाएगी। और दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं प्रमाण पत्र की दर तालिका के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और यहाँ पे वर्ष दिया गया है और नॉर्मल फ़ी प्लस तत्काल फ़ी। तो दोस्तों नॉर्मल फ़ी जितना दिया गया है और अगर तत्काल में आप लोग को लेना है जल्द ही तो नीचे देखिए नोट में लिखा गया तत्काल में प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं तो नॉर्मल फ़ी और प्लस तत्काल की मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के आप लोग को देना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शपथ पत्र का प्रारूप अप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लें। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जब आप लोग आइएगा यहाँ पे अपना आवेदन देने के लिए तो किस तरह से फॉर्मेट है आवेदन देने का, तो ये अप्लीकेशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको समझ लें। और लास्ट में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे अगर किसी प्रकार का अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्यालय संपर्क सूत्र का नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।